बिटवा। हाँ ग्रैनी। हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। कहाँ? शॉपिंग करने। बारबी ग्रैनी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। बारबी ग्रैनी की एंगेजमेंट किसके साथ? भूतू के साथ। वो भूतू अंकल के साथ अभी भी टिकी हुई है? इस बात की हैरानी तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि वो दो हफ्ते से ज्यादा किसी के साथ टिकती नहीं है। तो उसने अपनी सगाई का ड्रेस पसंद करने के लिए हम लोगों को शॉपिंग पे बुलाया है, इसलिए कब्रिस्तान शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। वैसे कब है एंगेजमेंट? ड्रेस सिलेक्ट होते ही सगाई की डेट भी फिक्स हो जाएगी। तुझे तो पता है ना, लड़कियों की शॉपिंग में कितना टाइम लगे है। पता नहीं करमजली कितने स्टोर्स घुमाएगी। लड़कियों की शॉपिंग मतलब ग्रैनी और ग्रैंडपा को पूरा दिन लगेगा, और मैं पूरा दिन घर पे आराम से चिल करूंगा और मस्त ट्विंस की मूवीज भी देखूंगा, बहुत मजा आएगा। क्या? मेरा मतलब है कि ग्रैनी ग्रैंडपा का भी ख्याल रखना और आप भी आराम से जाना। ठीक है, चल फिर हम लोग टाइम पर निकलते हैं। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलता हूँ। चाचा तो घर का ख्याल रखियो और टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए चिज्जी लेकर आऊंगी। बाय ग्रैनी। बाय ग्रैंडपा। अरे ग्रैनी ग्रैंडपा तो पूरा दिन बाहर रहेंगे, बिटवा तेरे मजे ही मजे। अरे ये क्या है? स्पाइडरमैन। अरे बिटवा तुम? ब्रो ब्रो तुम ठीक तो हो ना? स्पाइडरमैन? ओह नो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं सपना नहीं देख रहा। अरे स्पाइडरमैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम वापस क्यों आ गए? वो मैं गलती से यहाँ आ गया। ओह नो, पोर्टल तो बंद हो चुका है। और कैसे हैं भैया जी? All good, मगर भाई। अरे स्पाइडरमैन जी आप? हमने आपको बोला था, शायद इसीलिए आप हमसे मिलने आए हैं। हाँ हाँ आपसे ही मिलने आए हैं। वैसे स्पाइडरमैन तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मैंने कितनी मेहनत की थी और अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ब्रो मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि मैं कोई जगह को याद करूं और मुझे अचानक से इस जगह का ख्याल आ गया। जब मैं पोर्टल से बाहर आया तो मैंने देखा कि तुम मेरे सामने हो, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं दोबारा यहाँ फंस गया हूँ। जल्दी छुप जाता हूँ, ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे पकड़ने आते ही होंगे। डोंट वरी स्पाइडरमैन जी, काका काकी जी काम से बाहर गए हैं। चलो शुक्र है भैया जी, इनको अंदर ले जाके उनकी खातिरदारी कीजिए। ओके टेक केयर, बाय बाय। स्पाइडरमैन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है ना ग्रैनी ग्रैंडपा कितने खतरनाक हैं? अगर उन्होंने तुम्हें वापस से पकड़ लिया ना तो इस बार तो तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओह नो, मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा ब्रो, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन क्या है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने साथ सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर गए हैं। वो क्यों? क्योंकि ग्रैनी को डर है कि मैं भी इस घर से ना भाग जाऊं, जो कि कभी नहीं हो सकता। और ग्रैनी को दूसरा डर ये है कि ग्रैनी के जो इतने सारे दुश्मन है ना वो मुझ पर अटैक ना कर दे, इसलिए ग्रैनी सारे ऑब्जेक्ट्स अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारी ग्रैनी लास्ट टाइम मुझे खाने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? वो तुम्हारा नाम स्पाइडरमैन है ना, इसलिए तो ग्रैनी को लगा तुम एक स्पाइडर हो। वो क्या है कि ग्रैनी को डीप फ्राइड स्पाइडर्स बहुत पसंद है ना, और मुझे भी। तो ग्रैनी इसलिए तुम्हें खाना चाहती थी। अरे मैं किस मुसीबत में फंस गया दोबारा से। चलो स्पाइडरमैन एक बार ट्राई करते हैं कि तुम अपने वेब की मदद से इस घर से बाहर जा पाते हो कि नहीं। हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं। अरे ये अच्छा लग रहा है, इसी को फाइनल कर दे। दी आप तो बूढ़ी हो चुकी है और आपकी चॉइस भी बूढ़ों वाली है, मैं तो ये कभी ना पहनूं। OMG, what a pleasant surprise! अरे सेलू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छी बात है, शॉपिंग करते रहना चाहिए। निकल लेती हूँ, नए बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेंगे। अच्छा चलती हूँ, जल्दी आऊंगी मिलने के लिए। ओके टेक केयर, बाय बाय। चलो स्पाइडरमैन उड़ने का ट्राई करो। ओके ब्रो। देखा, यही कारण है कि लास्ट टाइम भी मैं अपनी वेब का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। जरा टेक्नोलॉजी तो देखो इस बुढ़िया की। डेंजर डेंजर, हाउस इज इन द डेंजर। अरे लगता है हमारे घर में कुछ खतरा है।
उल्टी बिटुआ को फोन करके पूछ लो, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है, उसे कॉल करती हूँ। ग्रैनी का फोन। हेलो ग्रैनी। बिटुआ सब ठीक तो है ना? क्यों? मेरे फोन में मसाज आया था। ग्रैनी वो मसाज नहीं, मैसेज होता है। हाँ वही, फोन में अलर्ट आया था, कहीं तूने घर से बाहर जाने की कोशिश तो नहीं की? ओह नो। नहीं तो। हाँ ग्रैनी, ये जो क्रोब्रो है ना, आपका कौवा जिसको आपने सर पे चढ़ा कर रखा है, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। घर आके इसकी पिट्टी पिट्टी करती हूँ। बार्बी ने तो अच्छी तरीके से पका दिया है, जल्दी से इसे पीछा छुड़ा के घर आती हूँ, तो डिनर बना के रखियो। ओके बाय। स्पाइडरमैन चलो, तुम्हें छुपना होगा, ग्रैनी ग्रैंडपा जल्दी वापस आ रहे हैं। अरे बाप रे, जल्दी चलो, मुझे किसी सेफ जगह पर छुपा दो। हाँ चलो। स्पाइडरमैन तुम ना यहीं पर रहो। मैं तो थक गई भाई साहब, जल्दी से शावर ले लेती हूँ। ग्रैनी ग्रैंडपा आ गए। देखो प्लीज तुम बाहर मत आना, कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे बोलना। और हाँ, तुम ना ऊपर जा सकते हो, ग्रैनी ग्रैंडपा के घुटनों में दर्द रहता है ना, तो वो ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए तुम ऊपर सेफ रहोगे। ओके ब्रो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो मैं ग्रैनी ग्रैंडपा के पास जाता हूँ, नॉर्मल बिहेव करता हूँ ताकि उन्हें शक ना हो। हाँ ब्रो, यही सही रहेगा। आता हूँ। हाँ ग्रैनी ग्रैंडपा, आप लोग जल्दी आ गए, कैसी रही शॉपिंग? क्या बताऊं बिटवा, वो जन्म जली बार्बी हर ड्रेस को देखकर नखरे मार रही थी, 20,000 के ड्रेस को 2,000 में मांग रही थी, मक्खी चूस गई की। हाथ धोती है बार्गनिंग की, मैं तो कभी बार्गनिंग नहीं करती। बिटवा तूने कभी मुझे देखा है बार्गनिंग करते हुए? हट झूठी कहेंगी, ये तो टमाटर प्याज के लिए भी बार्गेनिंग करती है। ओह नो। बड़ा ज्यादा बोला ना तो तेरा टेंट दबा दूंगी। आया बड़ा अच्छी। अरे ये क्या कर दिया मैंने? बिटवा ये ऊपर वाले कमरे से कैसी आवाज आई? ओह नो। नहीं तो मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ ग्रैंडपा ने आपको तंग तो नहीं किया? अरे ना ना, ये बेचारा तो अपने फोन में मोहगमित गेमिंग चैनल की वीडियोस देखता रहा। शुक्र है ग्रैनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, स्पाइडरमैन ने तो मुझे फंसा ही दिया था। ग्रैनी मेरा डिनर हो गया है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट। स्पाइडरमैन मैं अभी ऑब्जेक्ट्स ढूंढ तो दूं, लेकिन बहुत रात हो गई है, ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, अगर मैंने जरा सी भी आवाज की ना तो ग्रैनी की नींद टूट जाएगी और हम लोग फंस जाएंगे। हाँ ब्रो तुमने ठीक कहा, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है? रुको मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। यू आर द बेस्ट ब्रो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैंने गरीब कपूर की रेसिपी देख के नूडल्स बना दी है, स्पाइडरमैन तो खुश हो जाएगा। अरे तूने तो डिनर कर लिया था ना, तो अभी तू क्या बना रहा है? ग्रैनी मैंने ना नूडल्स बनाई है, नूडल्स खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नूडल्स खाती हूँ ना तो मुझे गैस हो जाती है, तो तू ही खा ये नूडल्स। ओके ग्रैनी। अच्छा तो मैं सोने जा रही हूँ, तो डोंट डिस्टर्ब मी। ब्रो नूडल्स तो बहुत ही टेस्टी बने थे। थैंक यू ब्रो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो ना मोहक मीत की वीडियोस लगा कर देखते हैं, उसकी शॉर्ट्स एवरीडे सुबह 9:30 बजे आती हैं। बेटवा बेटवा ओह नो। अरे वाह क्या बात है। ग्रैनी घर की सफाई कर रही है, मेरे लिए यहाँ पर छुपना ही सही रहेगा। अरे कहीं ग्रैनी मुझे देख ना ले। ओह नो। अरे ऐसा लगा जैसे मैंने स्पाइडरमैन को देखा, पर यहाँ तो कोई भी ना है। जाकर कपड़े सुखा देती हूँ। अरे मैं तो बाल बाल बचा, वरना आज तो मेरा क्रिस्पी स्पाइडर बनना तय था। ब्रो सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढने गया है, उम्मीद है उसे ऑब्जेक्ट्स आसानी से मिल जाएं। अरे ये बिटवा ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या कर रहा है? ओह नो। मुझे बिटवा पे शक हो रहा है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी।
लगता है मैंने सच में स्पाइडरमैन को देखा था और बिटवा उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। स्पाइडरमैन, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढ लिए। चलो अब तुम्हारे इस घर से जाने का टाइम आ गया है। ब्रो ग्रैनी हमें पकड़ना ले, इसलिए मैं पाइप के रास्ते नीचे आता हूँ। अभी बिटवा और स्पाइडरमैन को रंगे हाथों पकड़ती हूँ। अरे किस कंबखत का फोन आ गया? बस ये लगाना है फिर तुम आजाद हो। थैंक यू बिटवा कि तुमने फिर से मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। स्पाइडरमैन, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जिससे तुम इस घर में आए थे। अरे ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल है। डॉक्टर स्ट्रेंज? हाँ वो भी एक सुपर हीरो है। स्पाइडरमैन, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्र है तुम ठीक हो। और कैसे हो बिटवा? हाय डॉक्टर स्ट्रेंज। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने स्पाइडरमैन का इतना ख्याल रखा। थैंक यू। अब जल्दी करो स्पाइडरमैन, मैं इस पोर्टल को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। हाँ यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ब्रो अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। और ये तुम्हारे लिए है। ये क्या स्पाइडरमैन? इसमें मेरा एड्रेस है और फोन नंबर भी। जब भी तुम्हारा मुझसे बात करने का मन करे तो तुम मुझे फोन कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। तो इसमें मैंने अपना असली नाम लिखा है। पीटर पार्कर। हाँ ये मेरा असली नाम है, इसे सीक्रेट रखना। सीक्रेट रखूंगा। और हम भी भैया जी। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय पीटर स्पाइडरमैन, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। बिटवा! Oh no! तेरी हिम्मत कैसे हुई स्पाइडरमैन को इस घर से बाहर भगाने की? तू मेरी पीठ पीछे उसकी हेल्प कर रहा था ना? अच्छा अगर मैंने स्पाइडरमैन को भगाया तो ये ब्रिज अभी तक बंद क्यों है और कहां से गया वो? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सॉरी बिटवा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। हाँ ग्रैनी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। स्पाइडरमैन आया था बिटवा ने उसे भगाने में मदद की। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ये झूठ बोल रहे हमेशा की तरह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरी तो हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी के घर में फिर से स्पाइडरमैन से मिलके खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मीट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।